सेवन, अभी हम आते हैं पेज नंबर 51 पे, ठीक है, और पार्ट है जे। अब इसमें उन्होंने हमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें से भी हमने वर्ड्स पिक करके यहाँ लिखने होंगे, ठीक है। नंबर वन है, यू शुड ऑलवेज फुलफिल योर डैश। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्रॉमिस, हमें हमेशा प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर टू, गो एंड डैश अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। यहाँ इनमें से देखें, इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है जो यहाँ आएगा, हॉकी, ब्रिंग, प्रॉमिस, लाइफ, पेन, ब्रिंग, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे गो एंड ब्रिंग। नंबर थ्री है, ही वॉज प्लेइंग डैश इन द प्लेग्राउंड। वो क्या खेल रहा था प्लेग्राउंड में, ऑफ कोर्स हॉकी, कोई और गेम तो लिखा ही नहीं है उन्होंने किसी गेम का नाम, तो हम हॉकी लिख लेंगे, ठीक है। नंबर फोर, यू शुड नॉट डैश ऑन अदर्स, पेन ऑन अदर्स। नंबर फाइव, वी मस्ट हैव द पर्सन हुज लाइफ इज इन डेंजर। यहाँ आएगा लाइफ, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्ट के की तरफ। अब इसमें इन्होंने हमें कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब यहाँ पे बात आ गई एडवर्ब्स की। अब एडवर्ब्स क्या हैं, एडवर्ब्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब को, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं किस चीज़ को, वर्ब को। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, नाम से पता चल रहा है ना, वर्ब्स। वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी काम को, ठीक है। कोई भी एक्शन जो होता है उसको वर्ब कहते हैं। तो जो चीज़ वर्ब को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी कौन सी हैं, स्वीटली है, नीटली है, लेट है, सून है, ये सारी जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी एडवर्ब्स की एग्जांपल्स हैं। अब इन्होंने हमें एडवर्ब्स दिए हैं, अब इन एडवर्ब्स को हमने अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे पुट करना है। अब इसमें है, द पोस्टमैन कॉल्ड सम टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स, ओके। देन नंबर टू, दे डैश कम टू सी अस, दे यूजुअली कम टू सी अस। देखिए एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है ना वर्ब को, एक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसको मॉडिफाई कर रहा है। फिर नंबर थ्री है, शी डैश ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। यहाँ क्या आएगा, शी ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, नहीं होगा ये, गलत है, हर होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे शी लिखा है। फिर नंबर फोर है, द ट्रेन डैश अराइव्स लेट। यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा ऑफन, टी इसमें साइलेंट है। फिर नंबर फाइव, आई हैव डैश सीन हिम, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, नेवर, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट एल की तरफ। अब इसमें उन्होंने हमें कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन आ और एन और द एस मे बी सूटेबल। वही चीज़ फिर से रिपीट हो गई है जो पहले भी मैंने आपको करवाया, आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ आएगा, ही कैन प्ले आ फ्लूइट, कॉपर इज एन यूजफुल मेटल, एन क्यों आया, यू की वजह से, ठीक है। ही इज़ द यूरोपियन, द क्यों आया, बिकॉज यूरोपियन कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना, कोई ख़ास चीज़ है, इसलिए हमने द लगाया। हिज फादर इज़ द एस डी ओ। फिर नेक्स्ट पेज देखें 52, इसमें नंबर फाइव है, माई ब्रदर इज़ इन डैश आर्मी। यहाँ क्या आएगा, द, ठीक है। नंबर सिक्स, लास्ट वन है, दे रन डैश एनजीओ, यहाँ भी आएगा द।
तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने इसको याद भी करना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।